सीधे रुख करेंगे रीवा किसान सम्मेलन की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित कर रहे हैं। भगवान की पूजा है, लेकिन ये भी समझ लेना सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज पूरे मतलब आप देख रहे होंगे, ड्रग माफिया, भू माफिया, तस्कर, बेईमान, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले, आज उनकी कमर तोड़ कर रख दिए। और याद रखना, कमलनाथ दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोल के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है, लेकिन हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले, और उपवास चाय के लिए बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान का दिन। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विंध्य की धरा पर तुमने पार सागर पूरा नहीं किया, विंध्य की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया, तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की मालवा की धरती पर नहीं आने दिया, तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा, और कमलनाथ तुम उपवास करोगे जो जनता का हक ही खा गए। कर्जा माफी के केस बदल गए, और इनने नहीं उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने, राहुल बाबा 10 दिन में सब कमा, उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। कर्जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्रायश्चित करो, भूखे रहो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो, प्रायश्चित करने के लिए। और आज शिवराज सिंह चौहान कहता है, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, विंध्य वालों, मालवा वालों, ग्वालियर चंबल वालों, बुंदेलखंड वालों, ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ब्याज की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे, तो हम उतारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपवास करने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं दे दिक्कत थी, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था, वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है, बताओ। अरे जवान से बताओ, पाप है कि नहीं? वैसे ही खा गए, किसानों की बात करते हो। हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी, और राहुल बाबा आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने जमा नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना मिला का लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की, हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। हमने किसानों के साथ अन्याय किया, हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, तुमने कर्जा माफ करके 0% ब्याज का कर्जा ही बंद कर दिया। एक नहीं अनेकों पाप किए इस कांग्रेस ने। आज ये किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट,
उनका पैसे नहीं दिया। बैंक वाले मेरे पास आए कि आप तो दयालु मुख्यमंत्री हो, हम मर गए तो क्या क्यों? बोले कमलनाथ कर्जा माफी का प्रमाण पत्र बटवा गए, पैसा दिया ही नहीं है, मामा तुम्हें तो जमा करवा दो। धन्य रे कमलनाथ, अब उपास नहीं करोगे तो क्या करोगे? पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। किसान भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तय किया गरीब किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया देंगे। एक अमरनाथ राहुल बाबा, तुम्हारा क्या जाता था रे? तुमने तो सूची भेजनी थी, सूची इन्हें सूची तक नहीं भेजी किसानों की मदद से। प्रधानमंत्री का पैसा नहीं मिल जाए, इन्हें सूची मत भेजो। तुम्हारा क्या जाता था रे? हिम लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, तुम्हें तो सूची भेजनी थी लेकिन सूची नहीं भेजी। मैं आज आपसे पूछा जाता हूं, पीछे तक बताना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजना पाप है कि नहीं है? अरे ऐसे नहीं जोर से बताओ, पाप है कि नहीं है? जवाब दो कमलनाथ राहुल गांधी, हमने सूची भेजी। अब जब हम सूची भेज रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि शिवराज चौथी बार बन गया, 6,000 पहले से मिल रहा है, 4,000 तू भी डाल दे, खाए को कसर छोड़। तो हमने 6,000 में 4,000 जोड़ के 10,000 कर दिए। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? हमने 10,000 कर दिए, उन्हें सूची नहीं भेजी। और अभी तो ये 10,000 किए सबों ने, कोरोना की कर की है, जरा और जान तो फिर देखना। अभी 18 तारीख को, परसों के दिन जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, 1600 करोड़ रुपया उनके खाते में फिर डालने वाला हूं। अगले महीना फिर किसान कल्याण निधि का पैसा डलेगा। महीना में कम से कम एक बार तो पैसा डालेंगे किसान के खाते में। कमलनाथ, कांग्रेस के राज में कभी मिले थे क्या पैसा? बताओ, खाते में कभी आते थे? किसान कानूनों का विरोध करेंगे क्या? खाकर विरोध करोगे? 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है, पता है तुम्हें? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, बता सकते हो क्या तुम? ये विरोध करेंगे किसान कानून, ये किसान कानून क्या है? मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, अगर सबसे बड़ा किसान हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी, किसानों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह की नीतियां बनाई है। एक तरफ किसान सम्मान निधि, एक तरफ फसल बीमा योजना का लाभ, एक तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड, एक तरफ एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, एक तरफ खेती के साथ कृषि का विविधीकरण करना, अनेकों फैसले किए नरेंद्र मोदी जी ने। तो दूसरी तरफ किसान कानून बनाए दीर्घकालीन लाभ के लिए। ये विरोध करने वालों, क्या है किसान कानून? पहला किसान कानून, मैं किसान भाई, चाहे मुझे रीवा में सुन रहे हो, इंदौर में सुन रहे हो, ग्वालियर में सुन रहे हो, सागर में सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं, पहला कानून किसान भाइयों, उसमें प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, वो चाहे तो मंडी में बेच, और मंडी में बेचने के बजाय अगर उसको अपने घर पे अच्छा रेट मिलता है, कोई व्यापारी आता है और मुझसे कहे कि तुम्हारा धान 3,000 रुपया क्विंटल में घर से ले रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति है भाई? प्याज पैदा हो रही है, प्याज घर से खरीद रहा हूं, तुम्हारे खेत में से ले जाता हूं, तुम्हें कौन सी आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाई, किसान को यह आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
कि वो अपना माल चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो घर पर बेचे, चाहे तो खेत में बेचे। ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे पीछे तक जोर से बताओ, ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं जाना मंडी तो जबरदस्ती ले जाओगे क्या? अगर मेरे पास कोई फूड प्रोसेसर आता है और कहता है कि मैं सीधा खरीद रहा हूं, इतने रुपया दूंगा, मुझे पूर रहा है तो मुझे बेचने का हक नहीं है क्या? अभी तक क्या था? अभी तक हम मंडी में ही अपना अनाज बेच सकते थे, कृषि उत्पाद केवल मंडी में बिकता था। मंडी जाने के लिए बाध्य थे, मंडी के बाहर अगर खरीद ले कोई तो अपराध होता था, मंडी टैक्स की चोरी कर ली, पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो। ये कौन सा कानून? मेरी मर्जी में घर पर बैठू, मेरी मर्जी में खेत पर बैठू, मेरी मर्जी में मंडी में बैठू। तुम कौन बीच में होते हो, जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएगी। एक सुरजेवाला, उन्हें ट्वीट किया, मध्यप्रदेश में मंडी ठप हो गई और मंडी की आय कम हो गई। अरे सुरजेवाला तू क्या जाने रे भाई, मंडी की आय कम इसलिए हुई है कि मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठंडी मंडी व्यक्त कर दिया। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अरे कौन सा बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अभी खेती किसानी जानते नहीं है। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे, मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है? किसान जहां चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बेचे? अगर मुझे मंडी में दिक्कत है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, घर पे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारे पेट में काय को दर्द हो रहा है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं, बताओ इस कानून में कोई गलत बात है क्या? जोर से बताओ, पीछे तक गलत बात है क्या? ये किसान विरोधी है क्या? काय को राहुल बाबा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चढ़ा रहे हैं।